हर रोज सैकड़ों नए AI टूल्स इमर्ज हो रहे हैं। ये टूल्स हमारे डेली टास्क को आसान बनाते हैं और हमारे एडिटिंग टाइम को आधे से भी कम कर देते हैं। इनमें से कुछ टूल्स तो सीरियसली माइंड ब्लोइंग हैं और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया को चेंज कर देने की सलाहियत रखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे AI टूल्स के बारे में बताऊंगा जो वाकई में बहुत ही अमेजिंग है। तो पहला टूल लिटरली आपकी सोच को वीडियो में कन्वर्ट कर सकता है। इस टूल का नाम रनवे ML है। इस टूल पर साइन अप करना बिल्कुल फ्री है। जब आप साइन अप कर लें तो जेन 2 वाला ऑप्शन चूज कर लें और अब यहाँ पर अपनी वीडियो की प्रॉम्प्ट टाइप कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये प्रॉम्प्ट टाइप कर लेता हूँ और फिर प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक कर लें। कुछ सेकंड्स के बाद हमारे पास अपनी मर्जी की वीडियो चूज करने के लिए 4 ऑप्शंस बन चुके हैं। तो मुझे ये वाली ऑप्शन बेटर लग रही है तो मैं जनरेट दिस वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो अब हमें ये सिंपल सी एनिमेटेड वीडियो बनाकर दे चुका है। इस वेबसाइट पर कोई एग्जिस्टिंग वीडियो को यूज करके नई वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी टोटली डिफरेंट स्टाइल में। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसके बिल्ट इन प्रीसेट्स को यूज करके मैंने वीडियो का रिजल्ट कैसे चेंज कर लिया है। इसके अलावा इस वेबसाइट पर आप अपनी वीडियोस का बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं, टेक्स्ट से इमेजेस बना सकते हैं और भी काफी सारे यूजफुल फीचर्स आप अपनी कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट AI टूल बेसिकली एक वेबसाइट बिल्डर है। इसका नाम है फ्रेमर। फ्रेमर सिर्फ एक AI टूल नहीं है बल्कि एक कोडलेस वेबसाइट बिल्डर भी है। साइन अप करना बिल्कुल फ्री है और साइन अप करने के बाद ऐसा पेज आपके सामने आ जाएगा। अब स्टार्ट विद AI वाले बटन पर क्लिक कर लें जिससे एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब अपनी प्रॉम्प्ट टाइप कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ये टाइप कर रहा हूँ और स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देखें उसी टाइम वेबसाइट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे ये श्योर नहीं कि ये वेबसाइट पब्लिश करने के लिए मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन ये वेबसाइट काफी स्लीक और वेल डिजाइंड लग रही है। राइट साइड पर मौजूद पैनल से मैं इस वेबसाइट के वन क्लिक में कलर्स, फॉन्ट्स और ऑब्जेक्ट्स चेंज कर सकता हूँ। यहाँ आपको डेस्कटॉप, मोबाइल और टैबलेट के वर्जन प्रीव्यू हो रहे हैं। अब ये सब कुछ अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगला टूल है वीडियो AI। ये AI को यूज करके लंबी वीडियोस में से यूजफुल पार्ट्स को डिटेक्ट करके मल्टीपल शॉर्ट वीडियोस में कन्वर्ट कर देता है, जिनको आप इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या टिकटॉक के लिए यूज कर सकते हैं। आप इस पर साइन अप करके फ्री टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए टिकटॉक के लिए एक वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके आपने किसी भी लॉन्ग वीडियो का लिंक पेस्ट करना है या अपने कंप्यूटर से कोई वीडियो अपलोड कर लेनी है। अब नेक्स्ट हम वीडियो फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ अपना यूट्यूब का यूजर नेम टाइप कर दें और डन। तो कुछ ही मिनट्स में हमारी मल्टीपल शॉर्ट वीडियोस रेडी हो चुकी हैं। मेरे ख्याल से ये टूल परफेक्ट है अगर आप टाइम सेव करके अपनी लॉन्ग वीडियोस को शॉर्ट वीडियोस में कन्वर्ट करना चाहते हो। ये टूल सीरियसली अमेजिंग है और मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा। सो इस लिस्ट में नेक्स्ट टूल है क्लिप ड्रॉप, जो कि स्टेबिलिटी AI ने डेवलप किया है और इसमें जितने भी टूल्स हैं वो सब के सब बहुत ही यूजफुल हैं। आपको इन्हें यूज करने के लिए साइन अप करना पड़ेगा जो कि बिल्कुल फ्री है। अब टूल्स के मेन्यू में आपको बहुत सारे पावरफुल टूल्स नजर आ जाएंगे जो कि ऑब्वियसली मैं सारे इतने कम टाइम में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मगर सबसे अमेजिंग वाले टूल्स को देख लेते हैं। पहला टूल है अनक्रॉप। आपने ये फीचर पहले फोटोशॉप में देखा होगा। तो ये कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाली पिक्चर है और आप इसे फुल फ्रेम पिक्चर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इसे अपलोड कर लें और अपने फाइनल इमेज का साइज सेलेक्ट कर लें। अब इमेज की पोजीशन को जहां मर्जी प्लेस कर लें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। कुछ सेकंड्स के बाद आपको आपके इमेज के 4 डिफरेंट ऑप्शंस ये AI को यूज करके बना देगा। इस वेबसाइट पर नेक्स्ट टूल है रिमूव बैकग्राउंड। मेरा ख्याल है मुझे इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप पहले ही जानते हैं कि इससे क्या किया जाता है, मगर बस ये देखें कि कितना नीटली अपना ये काम कंप्लीट करता है। आप सिंपली इमेज अपलोड करें और सेकंड्स में ये उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा, वो भी बहुत ही नीटली। इस वेबसाइट पर नेक्स्ट टूल जो कि आपको अपनी फोटो एडिटिंग और लाइटिंग के लिए चाहिए होगा वो है रीलाइट। आसान अल्फाज में आप इस टूल की मदद से अपनी सिंपल सी फोटोज में डिफरेंट लाइटिंग ऐड करके उनको अमेजिंग लुकिंग फोटोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ अपना इमेज अपलोड करें, लाइट सोर्स चूज करें और उसका कलर, इंटेंसिटी और प्लेसमेंट वगैरह सेट कर लें और अपने इमेज को प्रोफेशनल लाइटिंग के साथ डाउनलोड कर लें। मैं तो इस टूल को अपनी इंस्टाग्राम फोटोज एडिट करने के लिए जरूर यूज करूंगा।
अब इस वेबसाइट पर एक लास्ट टूल ट्राई कर लेते हैं जिसका नाम है क्लीन अप। तो ये टूल हमारे इमेज में से गैर जरूरी चीजों को क्लीन कर देगा। मसलन आप इमेज अपलोड करें, जो पार्ट्स रिमूव करना चाहते हैं उनको हाईलाइट करें और क्लीन वाला बटन प्रेस कर दें, तो एक सेकंड में आपको क्लीन्ड अप फोटो मिल जाएगी। तो क्लिप ड्रॉप एक सीरियसली पावरफुल टूल है जो कि मैं डेली यूज कर सकता हूँ। हमारी लिस्ट में मौजूद लास्ट टूल QR कोड्स बनाता है, मगर नॉर्मल वाले नहीं। इस वेबसाइट QR क्राफ्ट पर आप ऐसे QR कोड्स बना सकते हो जो ना सिर्फ आपकी वेबसाइट के साथ लिंक होगा बल्कि आप उसको अपने थीम के अकॉर्डिंग डिजाइन भी कर सकते हो। तो QCraft की वेबसाइट पर जाके जनरेट नाउ पर क्लिक करके प्रॉम्प्ट टाइप कर लें जिस तरह का इमेज आप अपना QR कोड दिखाना चाहते हैं। नीचे वाले बॉक्स में आप अपना लिंक पेस्ट कर लें और उससे भी नीचे कुछ और सेटिंग्स हैं जिनको आप मजीद कस्टमाइज कर सकते हो। जब आप ये कर लें तो जनरेट QR वाले बटन पर क्लिक करके QR कोड जनरेट कर लें। तो कुछ ही सेकंड्स में आपके पास एक यूनिक QR कोड बन चुका है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट AI वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।